सो फाइनली हमारे टेस्टिंग का सारा कामकाज खत्म हो चुका है। हम जेनरिक जो हमारी क्लासेस बना रखी थी उनकी भी टेस्टिंग कर ली और मॉडल की भी टेस्टिंग कर ली है। फाइनली अब हमारा काम है कि हम जो है स्टैटिक फोल्डर बनाएं और स्टैटिक फाइलें बनाएं। स्टैटिक फाइलों का मतलब जो हम CSS की एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं या JS की बनाते हैं, दैट मीन्स कि जो डिजाइनिंग से रिलेटेड हमारी फाइलें होती हैं या इमेजेस होती हैं उनको हम कहाँ कैसे मैनेज करें और रखें। तो अब फाइनली हमारा वर्क है कि हम वहाँ पर चलेंगे। इतना तो क्या कहते हैं, हम कर ही चुके हैं कि जो हमारी HTML की फाइलें थी इनके लिए हमने हमारे जो हमारा फाइल का स्ट्रक्चर था इसके अंदर पोल्स वाले एप्लीकेशन में हमने अलग से एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाया और इसके अंदर पोल्स नाम के फोल्डर के अंदर हमने सारे जितने भी हमारे HTML की फाइलें थी वो रखी। अभी हमारे पास तीन ही हैं क्योंकि हमने तीन फाइलों पे वर्क किया हुआ है। आप अगर खुद से और कुछ नए फाइल्स बना के ट्राई करना चाहते हो बिल्कुल ट्राई करो। और ट्राई करते समय आपको फ्लो पता है, हम व्यू से कुछ ले रहे हैं या व्यू को हम कुछ दे रहे हैं, दैट मीन्स कि हमेशा डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं वहाँ पर एक HTML पेज पे या तो हम कुछ डेटा डेटाबेस से लाकर शो करा रहे हैं या फिर हम HTML पेज से कुछ इन्फॉर्मेशन यूजर से कलेक्ट करके डेटाबेस में ले जा रहे हैं, सेव करा रहे हैं। दो ही काम होता है हमेशा। तो हमने दोनों काम किया, छोटे छोटे लेवल पे किया क्योंकि हम अभी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, छोटा छोटा कोड कर रहे हैं। आगे चल के हम बड़े बड़े लेवल का कोड करेंगे जब हम इसको पूरा जो हमारा बेसिक जेंगो का स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर और इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको समझ लेंगे। इसके बाद में हम एक नया अच्छे से पूरा प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हमारा काम क्या है, जैसा सेम टू सेम काम हमने टेम्पलेट के अंदर कर रखा था ऐसा ही सेम टू सेम काम हमें करना है स्टैटिक के लिए। तो ओ, मेरी बोतल गिर गई, सॉरी। एक्चुअली पैर के पास बोतल पड़ा हुआ था तो वो गिर गया, थोड़ा बहुत पानी भी गिर गया, कोई नहीं, वापस आते हैं। तो स्टैटिक फाइल के लिए हमें एकदम सेम टू सेम काम करना है टेम्पलेट जैसा, जैसे हमने टेम्पलेट के लिए एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर पोल्स बनाया। अगर याद ना हो तो हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि हमने क्यों टेम्पलेट वाला फोल्डर बनाया और उसके अंदर क्यों पोल्स बनाया। तो जेंगो के अंदर असल में हमें मल्टीपल एप्लीकेशंस बनाने की फैसिलिटी मिलती है और इसी वजह से जैसे हम पोल्स वाले एप्लीकेशन के अंदर वर्क कर रहे थे तो यही सेम स्ट्रक्चर की जैसे हमें टेम्पलेट दैट मीन्स कि HTML की फाइलें बनानी है तो टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर बनाना ही पड़ेगा हमें और उसके अंदर जो भी हमारे एप्लीकेशन के फोल्डर का नाम होगा उस फोल्डर को क्रिएट करके उसके अंदर फिर हम बनाएंगे वो सारी HTML फाइलें। ऐसे ही हमने स्टार्टिंग में ही एक स्टैटिक फोल्डर बना लिया था, एकदम इसी स्टैटिक फोल्डर का ही हमें यूज करना है। लेकिन इस स्टैटिक फोल्डर के अंदर हमें क्या करना है, जो हमारे एप्लीकेशन का नाम है उसी के नाम से एक फोल्डर हमें और बनाना है। तो हम यहाँ से राइट क्लिक करके भी बना सकते हैं या फिर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं पोल्स नाम से। फाइल बन गई। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर सिंपली हमें क्या करना है, कोई भी CSS का कोड लिख सकते हैं, JS का कोड लिख सकते हैं या फिर हम इसके अंदर इमेजेस भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये करने से पहले अगर याद हो तो हमारा जो मेन प्रोजेक्ट का फोल्डर है दैट मीन्स कि माई साइट, इसके अंदर एक फाइल मिलती है हमें सेटिंग्स की। एक बार इसको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर जब हम इसके अंदर एकदम नीचे की साइड में जाते हैं, एकदम नीचे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें ना स्टैटिक फाइल का रूट डिफाइन करना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल ही रहा है कि स्टैटिक फाइल जैसे कि CSS, JavaScript और इमेजेस के लिए हम इस तरीके से एक पाथ क्रिएट करते हैं, तो स्टैटिक रूट ये आपको मिल रहा होगा। बेस डायरेक्टरी हमें ये स्टैटिक डिफाइन करना पड़ता है कि जो भी कोई हमारे एप्लीकेशन का पाथ डायरेक्टरी है उसके अंदर स्टैटिक नाम का फोल्डर मिलेगा और उस स्टैटिक फोल्डर के अंदर जो कुछ भी कंटेंट होगा आपको हमेशा उसी को गेट करना है। दैट मीन्स कि जब भी हमें CSS या JS या इमेज की ज़रूरत पड़ेगी हमेशा वो जिस किसी भी एप्लीकेशन के अंदर हम होंगे उसी से रिलेटेड वाले स्टैटिक फाइल के कंटेंट को वो फैच करेगा। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हो, ये जेंगो का डॉक्यूमेंट का फाइल है। आपको सिंपली क्या करना है, आल्ट बटन दबाना है और इसके साथ में क्लिक करना है, ये सीधे आपको इसके डॉक्यूमेंट फाइल पे लेकर चला जाएगा हो इसकी होम साइट पे। तो हम फिर वापस चलते हैं क्योंकि ये हमने पहले सेटअप कर लिया था इसीलिए एक बार इसको रिकॉल करना ज़रूरी था। फाइनली हम अपना फाइल स्ट्रक्चर दोबारा से ओपन करते हैं और जस्ट नीचे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम एक CSS की फाइल बनाते हैं। तो पोल्स वाले में आए और यहाँ पे हम यहाँ से क्लिक करके सिंपली एक स्टाइल नाम की
स्टाइल डॉट सी एस एस। अब मैं ये तो मान के चली रहा हूँ कि आपको सी एस एस की नॉलेज है और एच टी एम एल की नॉलेज भी है। अगर नहीं है तो थोड़ा सा इसके लिए डब्ल्यू थ्री स्कूल से जाकर आप सीख सकते हैं, आसान है। हालांकि जब आप जेंगो कर रहे हैं तो इसके लिए इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि हमें हमेशा फ्रंट एंड तो चाहिए ही चाहिए होता है, और फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए हमेशा हमें एच टी एम एल और सी एस एस की ज़रूरत पड़ती है। इसी के साथ में अगर थोड़ा सा आप और सीखना चाहें तो आप बूटस्ट्रैप को भी सीख सकते हैं, जो कि सी एस एस की कोडिंग को और आसान कर देता है। तो एक बार इसको आप सर्च करो जाकर, अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट है, सर्च करने के बाद में अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट करो, मैं जो भी मदद हो पाएगी, मैं जो भी सजेशन हो पाएगा बताऊँगा। फ़िलहाल हम वापस आते हैं, हमने एक फ़ाइल बना दी स्टाइल डॉट सी एस एस नाम की। ठीक है, इतना काम ये परफेक्ट है, इतना हमने कर लिया। हम अपने इस एक्सप्लोरर को बंद करते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो, हमने हमारा जो इंडेक्स डॉट एस टी एम एल फाइल थी, इसके अंदर हमने कुछ कोड किया था सी एस एस का, और वो कोड ये रहा। ये वाला कोड जो हमने यहाँ पे किया था, इसको हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से हटा देते हैं और इसको हम ले चलते हैं और रखते हैं हमारे सी एस एस की फाइल में। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हम हमारे जो भी दो फाइलें काम की उनको साइड बाई साइड कर दें। ठीक है, एक शॉर्टकट होता है कि कंट्रोल करके पेज अप और पेज डाउन करने पे आप जो फाइलें साइड बाई साइड हैं उन पे जा सकते हैं। तो इसको आप ट्राई कर सकते हो, कंट्रोल के साथ में पेज अप और पेज डाउन कीवर्ड दबाने पे आप साइड बाई साइड ऐसे जा सकते हो। जैसे मेरा माउस जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन मैं कंट्रोल के साथ में अप कर रहा हूँ तो स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल पर आ गया, और कंट्रोल प्लस पेज डाउन कर रहा हूँ तो मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज पर आ गया। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से इस कोड को मैं कट कर देता हूँ, कट हो गया। इसको ले चल के मैं रख देता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल के अंदर आ गए, और अब फाइनली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसका जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा अच्छा हो गया है। और एक चीज़ इसी के साथ में कि हम क्या कर सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, एक शॉर्टकट होता है असल में, ये कहाँ पहुँच गए हम, यहाँ पर एक शॉर्टकट होता है जो कि मेरे दिमाग से निकल रहा है, जस्ट अ सेकेंड, बार बार यही सेम प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा हाँ ठीक है, आपको दिखा ये क्या होता है, आप नॉर्मल जैसे मल्टीपल लाइन को सिलेक्ट किए और टैब क्लिक करोगे तो ये एक साथ पूरा का पूरा उसी टैब के हिसाब से स्पेस लेता चला जाएगा, और आपको उसको रिवर्स करना है तो कंट्रोल की जगह पे शिफ्ट दबा के आप टैब क्लिक करिए, शिफ्ट के साथ टैब। अब ये हो सकता है लिनक्स अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो या विंडोज़ हो तो सॉरी आईओज हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है। जैसा कि मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये शॉर्टकट काम करता है। उसी के साथ में जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका था, क्या था, जब हम इंडेक्स के अंदर थे और यहाँ पर मैंने कोड लिखा था तो ये पूरा का पूरा वाइट में दिख रहा था, लेकिन वो प्रॉपर सी एस एस की फाइल थी, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, हमको इसका भी सिंटेक्स जो है अच्छे तरीके से दिख गया। जैसे कि ठीक है, मैंने ऑरेंज कलर लिया था तो वी एस कोड में एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिलती है कि हम यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट कलर जो है वो ले सकते हैं कुछ भी। जैसे कि मान लो मैं इसको यहाँ से कटआउट करता हूँ और मैं यहाँ पर स्पेस करके लिखता हूँ ऑरेंज, या जस्ट अ सेकेंड, ये भी नहीं था, मैं यहाँ पर लिखा कलर, ठीक है, और कलर के साथ जैसे ही मैंने एंटर किया तुरंत पूरी की पूरी लिस्ट मुझे मिल गई कि मैं कौन सा कलर लेना चाहता हूँ। तो मेरा कलर तो ऑरेंज था, हम उसी को रखते हैं। अभी के लिए क्या करना है बस हमें कि ये इंडेक्स की फाइल थी, ठीक है, एक बार हम अपनी क्या कहते हैं सर्वर को रन कर लेना। सर्वर को जैसे मैंने यहाँ पे रन कर लिया है, और सिंपली चल के हम एक बार अपने इंडेक्स फाइल को रन करते हैं और देखते हैं कि ये जो कोड था अभी मैंने एक बार ओपन कर रखा है सो ऐसा दिख रहा है। एक बार मैं इसको रन करता हूँ और इंडेक्स की फाइल से हमने सी एस एस हटा दिया, इसलिए क्या हुआ, ये पूरा प्रॉपर नॉर्मल दिख गया, यहाँ पर कोई भी सी एस एस रह नहीं गई है। दैट मीन्स कि एकदम हम इनिशियल स्टेज पे आ गए हैं। अब करना क्या है, अब इसे हम क्या कहते हैं, इस कोड की भी हमें ज़रूरत नहीं रही तो इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, इतना काम करने के बाद में अब अगर हमें इस इंडेक्स पेज पर हमारे एक्सटर्नल सी एस एस का यूज करना है, दैट मीन्स कि ये सी एस एस हमेशा तीन तरीके की यूज होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। और जैसे यहाँ पर मल्टी लाइन अगर हमें कमेंट करना हो तो उसका तरीका होता है, आपको ऑप्शन दिख ही गया होगा। ये जो मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ ये भी एक शॉर्टकट है कि कंट्रोल के साथ में फॉरवर्ड स्लैश आप जैसे ही क्लिक करते हो तो
तो आप जिस किसी भी फाइल में हो उसका ऑटोमेटिक आपको क्या कहते हैं कमेंट वाला जो सिंटैक्स है वो मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर तीनों फॉर्म लिख देता हूँ कि कौन कौन से CSS के टाइप होते हैं, ताकि आप इसको थोड़ा सा गूगल पे जाके रिसर्च करना और इसके बारे में जान जाना, अगर अभी नहीं जान रहे हो तो। अगर जान रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, सो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर तीनों चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया है। यहाँ से उम्मीद है कि मदद मिल जाएगी। पहला सिंपल तरीका होता है इनलाइन CSS का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हम डायरेक्ट कोई भी HTML फाइल के अंदर कोड लिख रहे हैं तो टैग के अंदर सीधे हम इसी तरीके से स्टाइल कीवर्ड का यूज करते हैं और कोड लिख देते हैं। आपके लिए एक काम यह है कि मुझे कमेंट करके बताओ कि जब हम HTML के अंदर इस तरीके से कोड लिखते हैं तो इस लेफ्ट वाले एरिया को क्या कहते हैं और इस राइट वाले एरिया को क्या कहा जाता है। दूसरा तरीका जो है CSS का वो है इंटरनल CSS, मतलब कि जैसे अभी हमने क्या कहते हैं इस HTML फाइल के अंदर हेड के अंदर कोड लिख रखा था, इसी तरीके को हम कहते हैं इंटरनल CSS। इस काम में हम क्या करते हैं, जो हमारा ये स्टाइल वाला कीवर्ड है इसको हम असल में एक टैग बना देते हैं और इसके अंदर फिर हम कोड लिखते हैं। इनका काम जो है इसी तरीके से, पहले तीसरे वाले की भी बात कर लेते हैं। इसी तरीके से तीसरा तरीका है एक्सटर्नल CSS का। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेपरेट एक CSS की फाइल ही बनाते हैं और उसके अंदर कोड लिखते हैं। जैसे कि ये एक फाइल हमने अभी अभी बनाई है स्टाइल डॉट CSS की। तो ये तो तीन काम हो गए जो हम कर रहे हैं। इसी के साथ में जो ये तीन तरीके हैं इनमें आपस में डिफरेंस भी है। जैसे इनलाइन CSS जो हम यूज करते हैं, इस CSS को यूज करने का तरीके क्या कहते हैं, करने का रीज़न ये होता है कि जैसे हम बहुत सारा CSS अगर कर चुके हैं और हमें नहीं पता है कि CSS कहाँ से अप्लाई हो रही है कहाँ से नहीं अप्लाई हो रही है, तो हम सीधे इनलाइन CSS अगर लगा देते हैं तो वो अप्लाई हो ही जाना है। या इसको हम थोड़ा इस तरीके से समझ लेते हैं कि जो जितना नज़दीक है HTML कोड के उसकी पावर कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा है। जैसे कि इनलाइन CSS HTML लाइन से बहुत ज़्यादा करीब है तो ये सबसे पहले अप्लाई होगा। जैसे कि आप इसके लिए असल में क्वेश्चन किया जाता है कि जैसे मैंने सेम कोड एक्सटर्नल में भी रख दिया है, इंटरनल में भी रखा है और सेम मैंने उस टैग पे भी सेम चीज़ के लिए ही कोड कर रखा है, यानी कि इस पैराग्राफ के लिए कर रखा है, तो तीनों में से कौन सा कोड इस लाइन पे अप्लाई होगा पैराग्राफ टैग पे। तो इस समय पे सबसे जिसको जो इसका सुटेबल आंसर है वो है कि जो इनलाइन CSS है वही अप्लाई होगा, या फिर अगर इनलाइन CSS नहीं है तो इंटरनल CSS अप्लाई होगा, अगर इंटरनल CSS नहीं है तो फिर एक्सटर्नल CSS अप्लाई होगा अगर आपने कोड लिख रखा है। अब यहाँ पर भी एक आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे कमेंट करके बताना कि हम कौन सा CSS का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जिससे कि अगर मैं एक्सटर्नल पे भी कोड लिख रखा हूँ तो वही कोड अप्लाई हो, ना कि इनलाइन CSS का कोड अप्लाई हो। ठीक है, ये तो थोड़ी सी हमने चिट चैट कर ली CSS के बारे में। बाकी हमने इंटरनल क्या कहते हैं जो हमारे इंडेक्स डॉट HTML फाइल का जो CSS का कोड था उसको लाकर हमने रख दिया है हमारे स्टाइल डॉट CSS पे। अब दूसरा काम हमारा क्या है कि हमें यहाँ पर इसको लिंकअप करना है हमारे HTML के साथ में। तो ये करने के लिए बेसिकली हमें यहाँ पर जैसे PHP में हम लिंक करा देते हैं, लिंक का टैग मिलता है और उससे सिंपली हम लिंक करा देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो वाला काम नहीं करना है। यहाँ पे असल में हमें टैग ही यूज करना है और हमें जो जेंगो का सिंटेक्स मिल रहा है यहाँ पर यूज करने के लिए, मीन्स कि सिंगल कर्ली ब्रेसेस वाला, उसी की मदद से हमें पहले स्टैटिक के पाथ को गेट करना है और इसके बाद में फाइल देनी है हमें। तो अब हम क्या करते हैं, पहले डिफाइन करते हैं स्टैटिक को, गेट करते हैं और इसके बाद में हमारी CSS फाइल को हम दे देते हैं। अब हमारा काम क्या है कि सबसे पहले हम लोड करते हैं, तो इसके लिए सिंपली लोड का हमें कीवर्ड मिलता है। यहाँ पर पहले हम कमेंट लिख देते हैं कि लोडिंग लोडिंग CSS लोडिंग स्टैटिक फाइल हियर। ठीक है, तो LOD एंटर क्या मिल गया हमें, सिंपली मिल गया। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमें स्टैटिक और अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन हमको ये सब नहीं करना है, सिंपली हमें स्टैटिक को लोड करना था। पाइथन के अंदर ये सब सॉरी जेंगो के अंदर ये सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर स्टैटिक लिखने से ही, क्योंकि इसने स्ट्रक्चर के अंदर दे रखा है कि स्टैटिक नाम का जो भी फोल्डर हमने अपने एप्लीकेशन के अंदर बना रखा है उसको डायरेक्ट ये लोड कर लेता है, बस इतना करने से। अब इसके बाद में हमें बार बार ये देने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कहाँ से जाकर फाइल को क्या कहते हैं लेना या देना है।
अब सिंपली हम इसको जब कभी भी फोल्डर का नाम देंगे या हमारे एप्लीकेशन का नाम देंगे और सीधे फाइल का नाम देंगे, ये तुरंत गेट कर लेगा। तो यहाँ पे अब हमारा काम क्या है दूसरा, कि गेट स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल, क्योंकि हम जो है अभी केवल और केवल लोड कराए हैं स्टैटिक फोल्डर को, अब हमें लोड कराना है हमारी सी एस एस की फाइल को। तो सिंपली इसके लिए तो हम जो HTML के टैग का यूज करते हैं वही करना है, यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो तरीका अपना HTML का तरीका है वो तो हमें वहाँ पर फॉलो करना ही पड़ेगा। तो सिंपली देखते हैं यहाँ पर ये हमें शॉर्टकट देता है कि नहीं देता है, नहीं दिया इसने, पता नहीं क्या हुआ है, मुझे ये सर्च करना पड़ेगा क्योंकि VS कोड में हम HTML का कोड लिखते थे तो पूरा का पूरा सिंटैक्स जो है एक बार में लिख कर आ जाता था, जो कि नहीं आ रहा है। तो लिंक देते समय असल में हमको दो पैरामीटर लेना होता है, एक तो जो है रियल REL, इसका मतलब होता है रिलेशन। तो मैं जो ये फाइल ले रहा हूँ ये जो है इसका रिलेशन जो है वो है स्टाइल सीट टाइप का, तो रिलेशन में ये चीज़ देना ज़रूरी है स्टाइल सीट। आप टाइप जो दूसरा कीवर्ड है ये चाहे दो चाहे ना दो, तो दूसरा टाइप में क्या देते हैं हम टेक्स्ट स्लैश CSS, ये हर जगह सेम टू सेम है। और इसके साथ में जो हमें देना है href, मतलब कि हाइपरलिंक देना है, और किस चीज़ का देना है, जो हमने अभी बनाया है हमारा एक स्टैटिक फाइल जिसका नाम है स्टाइल डॉट सी एस एस, तो इसके लिए भी हमें क्या कीवर्ड मिलता है स्टैटिक। एंटर किया, एंटर करते ही हमें सिंटेक्स मिल गया, सिंगल कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग, साथ में परसेंटेज का साइन, स्टैटिक कीवर्ड, और इसके अंदर हमें क्या देना है हमारे एप्लीकेशन का नाम पोल्स, और स्लैश करके हमारे सी एस एस फाइल का नाम जो कि क्या है स्टाइल डॉट सी एस एस। ये पूरा काम हमारा हो गया कंप्लीट। अगर ये कंप्लीट हुआ है एक बार देख लेते हैं टर्मिनल में कोई दिक्कत, टर्मिनल पे कोई दिक्कत नहीं है, सब 200 दे रहा है, दैट मीन्स कि परफेक्ट। एक बार हम चलते हैं और इसको रन करते हैं, रिफ्रेश किया, फिर से रिफ्रेश किया, ओके कुछ गड़बड़ हुई है, जस्ट ए सेकेंड, इसको हम दोबारा से चेक करते हैं। अच्छा अभी जाकर इसने स्टैटिक पोल्स स्टाइल डॉट सी एस एस 404 इसको फाइल नहीं मिल रही है। ओके, ऐसा होने का रीज़न क्या है, हमारी चलती हुई गाड़ी थोड़ी सी रुक गई है, इसको देखना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। 404 की प्रॉब्लम हमें मिल चुकी है क्योंकि यहाँ पे हमें फ़ाइल नहीं मिल पा रही है। ठीक है, इसकी परेशानी को पहले एक बार सर्च करते हैं और देखते हैं कि ये दिक्कत कहाँ से हो रही है। कोई भारी भरकम गलती नहीं थी, मुझे लग रहा है कि मेरे सिंटैक्स की गलती है। अगर यहाँ पर नोटिस किया जाए तो मैं भी थोड़ा सा दूसरी जगह ही खोजने चला गया था, लेकिन ऐसा नहीं है, लिंक वाले टैग को असल में बंद नहीं किया था और इसी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हुई थी। इसको अभी जस्ट मैंने देखा, तो एक बार टर्मिनल को फिर से ओपन करते हैं। ये अपना फिर से क्या कर रहा है, रिलोड कर रहा है, और रिलोड करने के बाद में ये हमें क्या देता है ऑप्शन, ये एक बार देखना है। तो एक एंटर कर देते हैं ताकि ये फिर से रिलोड कर दे। ये एक शॉर्टकट है, जैसे कि हम जैसे ही कुछ एंटर करते हैं तो ये क्या करता है, ऑटो लोड लगा रखा है सेव को। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सेटिंग में जाकर, हम सेटिंग में जब जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन मिलता है ऑटो सेव का। तो ये ऑटो सेव एक बार कर ले, ये अभी भी नहीं कर पाया, मुझे लगता है कुछ तो दिक्कत हुई है इसको, ऑटो लोड नहीं कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है। ओके ठीक है, एक बार फाइल को ही रन करके देख लेते हैं कि इसको क्या हुआ। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से कट करके और फाइल को रिलोड करके फिर इसके बाद में चेक करता हूँ। तो इसका असल जो रीज़न है वो ये नहीं था, असल रीज़न क्या है कि एक तो हमको 404 का एरर मिल रहा है, मतलब कि ये पाथ हमको मिल ही नहीं पा रहा है। इसका असल में जो हम पाथ यूज करते हैं स्टैटिक डॉट पाई वाली फाइल में, टर्मिनल को मैं मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पे असल में जैसे हम ये स्टैटिक रूट करके एक वेरिएबल लिए और इसके अंदर हमने पाथ डिफाइन किया है कि जो बेस डायरेक्टरी में स्टैटिक फोल्डर का पाथ है वो ये है। तो ये असल में जो है ना ये इस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि एक हमको ऑप्शन मिलता है स्टैटिक फाइल डायरेक्टरीज़ का, कि जैसे मल्टीपल अगर फाइल डायरेक्टरीज़ हैं तो उस केस में हमको क्या करना होता है, स्टैटिक फाइल डायरेक्टरीज़ नाम का एक हमको वेरिएबल लेना होता है और इसके अंदर लिस्ट के फॉर्म में हमें ये बताना होता है कि जो हमारी बेस डायरेक्टरी है उसका स्टैटिक फोल्डर क्या है। ये करने के बाद में अभी जैसे कि यहाँ पर कोई एरर नहीं मिल रहा है, तो पहले एक बार हम अपने फाइल को फिर से रन करते हैं और
चेक करते हैं। फाइनली हमको क्या हुआ, हमारा कोड जो है वो मिल गया। तो ये असल में प्रॉब्लम इसकी नहीं थी, ये जो स्टैटिक रूट डायरेक्टरी ये हमको बाय डिफॉल्ट मिलता तो है, लेकिन ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। थोड़ा सा इसके लिए रिसर्च करना पड़ा, स्टैक ओवरफ्लो की मदद लेनी पड़ी, बिकॉज प्रीवियस प्रोजेक्ट में मैंने यूज किया था, ये काम किया था और वहाँ पे चल रहा था, तो वही मेरे ध्यान में था कि चल जाना चाहिए, लेकिन असल में हमको स्टैटिक फाइल की डायरेक्टरी मिली नहीं रही थी, इसलिए बार बार हमको 404 का प्रॉब्लम मिल रहा था। मतलब कि जो भी हमने यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में हमारी स्टैटिक फाइल को लोड किया था, वो असल में वो पाथ एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा था। तो फाइनली इसके लिए क्या करना है, सेटिंग्स डॉट पाई की फाइल में जाना है, और नीचे जाकर एक तो अगर आपने अभी स्टैटिक यूआरएल नहीं सेट किया तो स्टैटिक यूआरएल सेट करना है, साथ में स्टैटिक फाइल्स डायरेक्टरी में क्या करना है, ये पाथ जो है स्टैटिक का ये देना है। इसके साथ में कुछ और चीज़ें हैं, याद होगा बहुत पहले जब हमने स्टार्टिंग किया था जेंगो सेटअप का, तभी हमने क्या किया था, टाइम जोन सेट किया था एशियन स्लैश कोलकाता का। ये अगर अभी नहीं किया है तो ये जाकर कर लेना। और ये जो सेटिंग की फाइल है ये हमारे मेन फोल्डर फाइल है, ये यानी कि हमारे एप्लीकेशन की फाइल नहीं है। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखना कि हम प्रोजेक्ट की सेटिंग फाइल में, वैसे भी यानी कि एप्लीकेशन में हमको सेटिंग की फाइल नहीं मिलती है, तो एक ये चीज़ कर लेना। इसके अलावा जैसे हमने बहुत पहले ही कुछ और सेटअप जो थे वो कर रखे थे, जैसे कि रूट यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन हमने कर रखा है, हमारी साइट का नाम है माई साइट और उसका यूआरएल फाइल जो है वो हमने सेट कर रखा है। इसके अलावा अलाउड होस्ट जो है इसमें हमने हमारा जो आईपी एड्रेस है वो दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में स्लैश करके जो हमको पॉइंट में मिलता है 8000, वो देने की ज़रूरत नहीं है, कॉलन करके सिंपली अपना आईपी एड्रेस यहाँ पर दे देना है। इसके साथ में डिबग हमने ट्रू कर रखा था, लेकिन अगर आप में से कोई डिबग ट्रू करना भूल गया है तो इस डिबग को ट्रू कर देना। साथ में बस यही सारी चीजें थी, इसके अलावा और साथ में और कुछ नहीं है। तो ये तो हमारा काम है कि पहली चीज हमने क्या किया, स्टैटिक फाइल एक बनाई हमने और उसके अंदर हमने जो इंडेक्स वाली फाइल का कोड था ये रख दिया है। इसी तरीके से नेक्स्ट काम हमारा जो है वो है कि इसके अंदर हम कुछ इमेजेस ऐड करेंगे, उसके लिए हम एक फोल्डर भी बना सकते हैं या इमेज अभी हम इंडिविजुअली रखेंगे। तो आपका काम अभी क्या है, आप सिंपली ये ट्राई करो कि हम इसके अंदर इमेज कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन लिस्ट से रिलेटेड कोई भी एक इमेज सर्च करके लेकर आओ और यहाँ पे इमेज टैग का यूज करके इमेज शो कराने की कोशिश करो। इसके अलावा अगर CSS आपको पता है तो CSS में आप बैकग्राउंड भी लगा सकते हो। आप इंडेक्स में जो है ये जो H2 है, H2 में आप बैकग्राउंड सेट करके ट्राई करो कि आप बैकग्राउंड सेट करो, या नॉर्मली ऐसे ही पूरी बॉडी का ही आपको एक बैकग्राउंड सेट कर दो, तो उसको हम यहाँ से स्टाइल सीट में भी सेट कर सकते हैं। तो ये ट्राई करके आप देखो, ठीक है। फिर आप इसको ट्राई करो, कोड करो, और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करो। फिर नेक्स्ट काम जो हमारा है वो हम इमेजेस यूज करेंगे और हम जो है पर्टिकुलर एक फोल्डर बनाएंगे और उसमें सिस्टमेटिक वे में करेंगे, ताकि हमारे पास अगर आगे चल के मल्टीपल इमेजेस भी हों तो उसको हम आराम से उस फोल्डर के अंदर रख सकें, सो दैट कि हमारा जो इमेज है वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में इधर उधर बिखरा ना पड़ा रहे। तो जाने से पहले आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो। डेवलपर हो कोडर हो आपको बहुत अच्छे से पता है कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में।